गुड मॉर्निंग। आज वापस हम सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान के इस पेपर को कंटिन्यू करेंगे। मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आपको पुनः रिसर्च के बारे में पढ़ाऊंगी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक विज्ञान में वस्तुनिष्ठता। सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता कैसे लाई जा सकती है, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, रिसर्च अनुसंधान, नए तथ्यों की खोज, नई बातचीत, नई ज्ञान। और जब इसको हम सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं तो इसको सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। और अनुसंधान तभी मान्य होता है जब उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, जब वह वस्तुनिष्ठ होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वस्तुनिष्ठता क्या। वस्तुनिष्ठता जो जैसा है उसको उसी रूप में देखना वस्तुनिष्ठता कहलाती है। जो चीज वास्तव में जो है उसका वर्णन उसी रूप में करना वस्तुनिष्ठता है, ऑब्जेक्टिविटी है। ग्रीन के अनुसार तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है। एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे लेंगे, फेयर चाइल्ड के अनुसार वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपने को अलग रख सके, जिसका कि वह स्वयं भाग है, एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप से अवलोकन कर सके, यही वस्तुनिष्ठता है। अर्थात जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं, समाज के क्षेत्र में रिसर्च करते हैं, तो क्योंकि अध्ययन करने वाला भी मानव है और जिसका अध्ययन किया जा रहा है वह भी मानव है, इसलिए यह प्राकृतिक विज्ञानों से बिल्कुल अलग तथ्य है। यहाँ प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययनकर्ता मानव है, लेकिन जिसका अध्ययन किया जा रहा है वह एक वस्तु होती है जिसमें ऑटोमेटिकली ही वस्तुनिष्ठता होती है। लेकिन मानव का व्यवहार चूंकि प्रतिपल बदलता रहता है और मानव एक जटिल अवधारणा है, इसलिए सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता लाना एक कठिन कार्य है। लेकिन वस्तुनिष्ठता से ही हम अनुसंधान को सही दिशा दे सकते हैं और एक सही निष्पक्ष रिजल्ट की तरफ पहुंच सकते हैं। इसलिए वस्तुनिष्ठता को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में चित्रण करना ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता रखना इसे विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता पर बहुत जोर दिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, जब हमने ये समझ लिया वस्तुनिष्ठता जो जैसा है उसका उसी रूप में वर्णन, तो इसकी विशेषताओं को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। वस्तुनिष्ठता में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। वस्तुनिष्ठता सामाजिक अनुसंधान के लिए एक साध्य है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना आवश्यक है और वस्तुनिष्ठता से ही सामाजिक अनुसंधान सफल माना जाएगा। अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता अमूर्त है। मतलब वस्तुनिष्ठता को ना मापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना ही देखा जा सकता है, बल्कि इसको अनुभव किया जा सकता है। अतः अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता अमूर्त है। थर्ड इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठता द्वारा घटनाओं को उनके वास्तविक स्वरूप में दिखाने का प्रयास करता है, प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठता वह ताकत है, वह शक्ति है या वह अवधारणा है जो घटनाओं को वास्तविक रूप में ही प्रकट करती है। अगली विशेषता है वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक भावना का मुख्य तत्व है। जैसा कि हमने वैज्ञानिक पद्धति में भी पढ़ा था कि वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता आवश्यक है।
और जब हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए कोई अनुसंधान करते हैं तो वस्तुनिष्ठता उसका मुख्य तत्व है। वस्तुनिष्ठता की अगली विशेषता है, वस्तुनिष्ठता का संबंध व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, मनोवृत्ति एवं क्षमताओं और योग्यताओं से नहीं है। मतलब वस्तुनिष्ठता किसी व्यक्तिगत विचार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह वह है जो दिखाई दे रहा है, जो सच है कि अभी बारिश हो रही है। इसका मतलब सच यही है कि अभी बारिश हो रही है। अब इसमें व्यक्तिगत विचारों का कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जैसे कि अभी टेम्परेचर 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री टेम्परेचर सभी के लिए 34 डिग्री ही है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत विचारों का कोई भी प्रभाव हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठता यथार्थ का वर्णन है, यथार्थ का चित्रण है। तो हम ये जानेंगे कि वस्तुनिष्ठता आवश्यक क्यों है, इसका किसी भी अनुसंधान में महत्व क्या है। आगे हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठता का महत्व एवं आवश्यकता। और इसकी पहला महत्व है समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु। क्योंकि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है और समाज मानवों से मिलकर, मानवीय संबंधों से मिलकर बना होता है, सामाजिक संबंधों से मिलकर समाज की रचना होती है, तो इसके अध्ययन को वैज्ञानिक बनाने हेतु वस्तुनिष्ठता की महती आवश्यकता है। क्योंकि अनुसंधानकर्ता यदि अपने दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन करता है तो उसमें व्यक्तिगत विचार, पसंद नापसंद और कई पूर्वाग्रह आ जाते हैं जो उसकी वैज्ञानिकता को समाप्त कर देते हैं। अतः वस्तुनिष्ठता सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। इसका अगला महत्व है वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु। सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आवश्यक है। यदि इस पद्धति का प्रयोग वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाता है तो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है और अध्ययन में वैज्ञानिकता लाई जा सकती है, और जो वैज्ञानिकता लाई जाती है उसका सत्यापन भी किया जा सकता है। इसका अगला महत्व है मौलिक तथ्यों की प्राप्ति। सामाजिक अनुसंधान में मौलिक तथ्यों की प्राप्ति के लिए वस्तुनिष्ठता का होना आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधानों का उद्देश्य भी यही है कि सामाजिक जीवन एवं घटनाओं में निहित तथ्यों को प्राप्त किया जाए। अगला इसका महत्व है प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने हेतु। सामाजिक घटनाओं के संबंध में प्रतिनिधि तथ्य प्राप्त करने के लिए निदर्शन प्रणाली की सहायता से अध्ययन हेतु इकाइयों का चयन किया जाता है। यह चयन पक्षपात रहित होना चाहिए, पसंद नापसंद से मुक्त होना चाहिए, तभी हम इनसे जो तथ्य एकत्रित कर रहे हैं वे पूरी तरह निष्पक्ष होंगे। और तथ्य संकलन हेतु भी हमें उन्हीं पद्धतियों को अपनाना चाहिए जो कि निष्पक्ष हों, जो कि पक्षपात रहित हों। तो वस्तुनिष्ठता हमारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तथ्यों के सत्यापन हेतु वस्तुनिष्ठता का अगला महत्व है तथ्यों के सत्यापन हेतु। सत्यापनशीलता वैज्ञानिकता की महत्वपूर्ण कसौटी है, अर्थात कि तथ्यों को हम सत्य साबित कर पाएं। जैसा मैंने कहा है वैसा ही सभी जगह सच हो, जैसे कि 0 डिग्री पर पानी बर्फ बन जाता है, तो यह सभी जगह सच होना चाहिए, तभी यह सत्य साबित हो सकता है और तभी यह वैज्ञानिक हो सकता है। अतः जब अध्ययन में वस्तुनिष्ठता रहती है तब ही तथ्यों का सत्यापन किया जा सकता है। इसका अगला महत्व है पक्षपात रहित निष्कर्ष। जब अनुसंधान द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वस्तुनिष्ठता हमें पक्षपात रहित निष्कर्ष निकालने में मदद करती है। इससे निष्कर्ष निकाले जाएं वे पक्षपात रहित होते हैं और सामाजिक अनुसंधान में पक्षपात की संभावनाएं नहीं। इसका अगला महत्व है
वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता यथार्थ ज्ञान को प्रकट करता है, यथार्थ का चित्रण करता है। अतः वस्तुनिष्ठता से वास्तविक ज्ञान में वृद्धि होती है। सामाजिक घटनाओं की संबंध में हमारी अज्ञानता दूर होती है और भ्रांतियों और कुरीतियों से सभी को मुक्ति मिलती है। अगला महत्व है अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु। वस्तुनिष्ठता द्वारा निष्पक्ष होकर जब किसी घटना या समस्या का अध्ययन किया जाता है तो उसके संबंध में अनेक अज्ञात तथ्यों का भी पता चलता है और इन अज्ञात तथ्यों का पता लगने से अनुसंधान के नए क्षेत्रों का भी पता चलता है। इसका अगला महत्व है अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु। वस्तुनिष्ठता अनुसंधानकर्ता को नियंत्रित रखती है क्योंकि जिस समाज, समूह, सामाजिक घटना या समस्या का अध्ययन अनुसंधानकर्ता करता है वह किसी न किसी रूप में उससे जुड़ा रहता है, उससे संबंधित रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के विचार, उसकी भावनाएं, उसके पूर्वाग्रह भी अध्ययन में रुकावट डाल सकते हैं, अध्ययन में बाधा डाल सकते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का अगला महत्व है भ्रांतियों की समाप्ति हेतु। भ्रांत धारणाएं अनेक व्यक्तियों और समूहों के बीच कभी कभी संघर्ष और तनाव का रूप ले लेती है। इस प्रकार की धारणाओं से मुक्त होने के लिए वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वस्तुनिष्ठता वैज्ञानिक अध्ययन की ओर ले जाती है और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से ही भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। वस्तुनिष्ठता का अगला महत्व है सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु। समाज में जटिलता के बढ़ने के साथ साथ समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं और इन समस्याओं से मुक्ति के लिए हमें बहुत से सामाजिक अनुसंधान समाज के क्षेत्र में करने होते हैं और जब हम ये अनुसंधान करते हैं तो हम किसी न किसी परिणाम की ओर पहुंचते हैं, समस्या से मुक्ति की ओर पहुंचते हैं। तो सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु भी वस्तुनिष्ठता की महती आवश्यकता हमें पड़ती है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का महत्वपूर्ण स्थान है और वस्तुनिष्ठता से ही सामाजिक अनुसंधान सक्सेसफुल सफलतापूर्वक हो सकता है जिससे समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिकता प्रदान होती है और निकाले गए निष्कर्ष वैज्ञानिक रूप से सत्य साबित होते हैं। एक बार पुनः मैं वस्तुनिष्ठता के महत्व को रिपीट करना चाहूँगी। पहला, समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु। सेकंड, वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु। थर्ड, मौलिक तथ्यों की प्राप्ति हेतु। फोर्थ, प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने हेतु। फिफ्थ, तथ्यों के सत्यापन हेतु। सिक्स्थ, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु। सेवेंथ, वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु। एट्थ, अनुसंधान के नए क्षेत्रों का पता लगाने हेतु। नेक्स्ट, अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु। नेक्स्ट, भ्रांतियों की समाप्ति हेतु। नेक्स्ट, पक्षपात रहित निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु। तो इस प्रकार हमने जाना कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है और वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करके ही हम अनुसंधान को वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, यथार्थ का चित्रण, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना। मेरे ख्याल से आपको इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। आप लगातार इसी तरह हमारे चैनल को सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।